हाय दोस्तों, आपका स्वागत है। व्हाट्सएप पर आप इसे शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। रिपोर्ट इरर हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मैं आज कराने जा रहा हूँ कार्बनिक रसायन के चैप्टर को, ओके, हिंदी में। फिर इसके बाद मैं अंग्रेजी में भी लाऊँगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो जीवन शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बर्जिलियस ने किया था। ओके, बर्जिलियस ने किया था जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बर्जिलियस ने। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन था? यूरिया। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था यूरिया। ओके, कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता एक समचतुष्फलक के चारों किनारों की ओर दृष्ट होती है। ओके, तो कार्बन केंद्र में होता है। यह विचार किसने दिया था? लीवल और वॉनटॉप ने दिया था। लीवल एंड वॉनटॉप ने दिया था दोस्तों। ओके, लीवल एंड वॉनटॉप ने कहा था कि कार्बन सेंटर में होता है, उसके चारों ओर संयोजकता वाले हाइड्रोजन होते हैं या अन्य सब्सटेंसेस होते हैं, एलिमेंट। प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? प्रकृति में सेलुलोज होगा। कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? कौन सा तत्व है जो सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है दोस्तों? तो कार्बन मिलता है, हर कार्बनिक यौगिक मिलेगा। कपूर किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा, जिसे सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। एनिलीन की शुद्धिकरण के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है? एनिलीन की शुद्धिकरण के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है? तो भाप श्रवण विधि किया जाता है। एनिलीन की शुद्धिकरण के लिए कौन सा विधि उपयोग किया जाता है? भाप श्रवण। ओके, भाप श्रवण विधि किया जाता है एनिलीन की शुद्धिकरण के लिए कौन सी विधि का उपयोग की जाती है? भाप श्रवण की। कार्बन यौगिक जिसे CH3OH कहते हैं, ठीक है, यानी मेथेनॉल, इसका आयुपैक नाम है। आयुपैक नाम क्या है? मेथेनॉल। इथिलीन का आयुपैक नाम क्या होगा? इथिन। ओके, इथिन नाम है। एसिटिलीन का आयुपैक नाम क्या है? इथाइन नाम है। क्या नाम है? इथाइन। एसिटिलीन का फार्मूला होता है CH CCH, ये एसिटिलीन का फार्मूला है। ओके, इथाइन जिसे कहते हैं आयुपैक नाम में। आयुपैक प्रणाली के अनुसार C2H5OH का पूरा नाम क्या है? तो इथेनॉल है। आयुपैक नाम के अनुसार इथेनॉल पड़ेगा। क्लोरोफॉर्म का आयुपैक नाम क्या है? तो ट्राई क्लोरो मेथेनॉल है, ठीक है। ट्राई क्लोरो मीथेन कहते हैं। क्लोरोफॉर्म को क्या कहते हैं? ट्राई क्लोरो मीथेन कहते हैं। क्लोरल का आयुपैक नाम क्या है? तो क्लोरल का आयुपैक नाम क्या होगा? तो ट्राई क्लोरो इथेनॉल होगा। ओके, ट्राई क्लोरो इथेनॉल। क्लोरल का आयुपैक नाम क्या होगा? ट्राई क्लोरो इथेनॉल। निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है? तो कार्बनिक यौगिक कौन होगा? क्लोरोफॉर्म आपका है। जबकि ये सब क्या है? केमिकली कंपाउंड है। अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, अजल। अमोनियम क्लोराइड तो आपको सब्लिमेशन देता है, याद रखिएगा दोस्तों। ओके, जो कोवलेंट भी होता है बॉन्डिंग। ओके, फिनॉल एक क्या है? फिनॉल एक एरोमेटिक है। फिनॉल क्या है? एक एरोमेटिक है। ओके, फिनॉल क्या है? एरोमेटिक है। अल्कोहल में पाए जाने वाला अभिक्रियाशील समूह कौन है? OH। अभिक्रियाशील मूलक कौन होगा? OH। ओके, एल्डिहाइड में पाए जाने वाला प्रमुख अभिक्रियाशील मूलक कौन होगा? CHO। एल्डिहाइड में पाए जाने प्रमुख अभिक्रियाशील मूलक कौन होगा? CHO। कीटोन में कौन सा अभिक्रियाशील मूलक होता है? तो CO होता है। कीटोन में कौन सा अभिक्रियाशील मूलक होता है? तो CO होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील मूलक कौन है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड में तो COOH होता है, ठीक है, अभिक्रियाशील मूलक है। ओके, कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह कहलाता है कौन?
कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला क्रियाशील समूह कहलाता है, ना कि क्रियात्मक समूह। क्रियाशील कहलाएगा, ओके, क्रियात्मक नहीं बल्कि क्रियाशील कहलाएगा। कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह क्या कहलाएगा? क्रियाशील कहलाता है। स्त्री जातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अगले तथा पिछले सदस्य के अनुसूत्र से कितना अंतर दिखलाता है? तो स्त्री जातीय श्रेणी के कोई भी सदस्य अपने से अगले तथा पिछले सदस्य के अनुसूत्र से कितना अंतर जताता है? तो CH2। ओके, कौन सा समजात है? तो समजात का अंतर बताया था कि CH2 का अंतर होगा। ओके, तो मीथेन और इथेन है, मीथेन एंड इथेन। समझात आपका मीथेन और इथेन आपका हो गया, मीथेन और इथेन समझात कल आएगा, समझात। ओके, मिथाइल अल्कोहल का समझात कौन होगा दोस्तों? मिथाइल अल्कोहल का समझात कौन होगा? तो इथाइल अल्कोहल होगा। क्यों? क्योंकि बताया था समझात होने के लिए CH2 का अंतर चाहिए। ओके, समझातीय श्रेणी के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो सही कौन कौन है पहले ये देखता हूँ। किसी समझातीय श्रेणी के सभी सदस्य को एक ही सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, हाँ, जैसे CnH2n ओके प्लस टू, ये एक ही फार्मूला से व्यक्त कर सकते हैं। समझातीय श्रेणी के कोई भी सदस्य अपने से अगले तथा पिछले सदस्य के अनुसूत्र का अंतर कितना होता? CH2 का अंतर दिखलाता है, सही बात है। किसी समझातीय श्रेणी के सभी सदस्य समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, हाँ करते हैं, हाँ। समझातीय श्रेणी के भौतिक गुण परिवर्तन रहता है, ठीक है, जबकि इसमें किया हुआ नहीं परिवर्तन है, जबकि रहता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र कौन होगा? तो CnH2n+2 होगा, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्काइन का सामान्य सूत्र कौन होगा? तो CnH2n-2 होगा। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n-2 होगा। एल्किन का सामान्य सूत्र कौन हो? एल्किन का CnH2n होगा, CnH2n एल्किन का। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन होगा? C3H8 होगा, C3H8। एसिटिलीन का मूल अनुपाती कौन होता है? CH। एसिटिलीन का मूल अनुपाती कौन होगा? CH, क्योंकि फार्मूला C2H4 होता है, सॉरी C2H2 होता है, ओके, यानी ट्रिपल बॉन्ड होता है। एसिटिलीन का मूल अनुपाती सूत्र कौन होगा? CH, ओके, एसिटिलीन का मूल अनुपाती CH होगा। किन दो कार्बन यौगिक के मूल अनुपाती सूत्र समान होते हैं? तो किन के होते हैं? तो एसिटिलीन के होते हैं, बेंजीन के होते हैं। मूल अनुपाती सूत्र किसके सेम होते हैं? एसिटिलीन और बेंजीन के, एसिटिलीन और बेंजीन के। और एसिटिलीन, एन मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिलीन फॉर्म ऑफ द बेंजीन बनेगा, ठीक है, इसलिए कहता है समान सूत्र होता है मूल अनुपाती का। बेंजीन और एसिटिलीन के अनुसूत्र अमूलानुपाती अलग अलग होते हैं, ठीक है, अनुसूत्र भिन्न होते हैं लेकिन मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं। अनुसूत्र भिन्न होंगे लेकिन मूलानुपाती सूत्र क्या होंगे? समान होते हैं, ओके। बेंजीन का अनुसूत्र भिन्न होते हैं, एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं। किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र का अनुभार 60 है, इसका यौगिक का अनुभार कितना होगा? तो यौगिक का अनुभार कितना होगा? तो C2H4O2 होगा, C2H4O2 मूलानुपाती का अनुसूत्र यही होगा। किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव्य में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन। कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं, ठीक है। कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म धीरे धीरे अपघटित होंगे तो किण्वन होंगे। जब ये कार्बनिक चीज़ अपघटित होते हैं यानी वनस्पति चीज़, तो N2 और O2 रिलीज करता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। दूध को कौन से विधि द्वारा उसे रखा जाता है? कौन से विधि पर रखा जाता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरा बताइए। कम वाष्पशील उच्च क्वथनांक वाले जटिल उच्च हाइड्रोकार्बन का ताप द्वारा कम क्वथनांक वाले सरल हाइड्रोकार्बन में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? भंजन कहते हैं, ओके, जिसे क्रैकिंग भी इंग्लिश में कहते हैं। कम वाष्पशील उच्च क्वथनांक वाले, ओके, उच्च क्वथनांक वाले जटिल हाइड्रोकार्बन होता है, उसको छोटे छोटे में कन्वर्ट करते हैं ताप द्वारा कम क्वथनांक वाले सरल हाइड्रोकार्बन बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भंजन कहते हैं। ठोस कपूर के वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं?
उर्ध्वपतन कहते हैं। दूध को दही में खट्टा करना एक उदाहरण है क्या? किण्वन का। किण्वन का उदाहरण कौन है? दूध का खट्टा होना, गीले आटे का खट्टा होना है, हाँ, गन्ने के रस के शराब का भी बनना, ये भी है, हाँ। तो तीनों आंसर होगा किण्वन का उदाहरण। बहुलीकरण के संदर्भ में कौन असत्य कथन है? तो यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। बहुलीकरण के संदर्भ में कौन असत्य कथन है? यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, हाँ है, ठीक है। उत्क्रमणीय उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। बहुलीकरण के संदर्भ में कौन असत्य कथन है? तो यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। पहला, इसमें विभिन्न प्रकार के अणु परस्पर संयोग करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, परस्पर नहीं संयोग करते, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। बहुलक यौगिक का अनुभार आरंभिक यौगिक के अनुभार का पूर्ण गुणक होता है, हाँ हाँ होता है। बहुलक यौगिक जो बनेगा वह आरंभिक यौगिक का अनुभार का क्या होता है? गुणक होता हो सकता है, ठीक है। इसमें कार्बन परमाणु नया बंधन नहीं बनाते हैं, ठीक है। कार्बन परमाणु नया बंधन नहीं बनाते, तो ये गलत होगा। बहुलीकरण का उदाहरण कौन है? तो एसिटिलीन का बेंजीन परिवर्तन होना, हाँ है, एसिटिलीन का। एसिटिलीन गैस का सोल्डिंग में भी यूज करते हैं दोस्तों, बिल्डिंग में, ठीक है। एसिटिलीन का बेंजीन में परिवर्तन क्या लाता है? क्या? बहुलीकरण। फॉर्मेल्डिहाइड से ट्राईऑक्सेन बनना भी बहुलीकरण कहलाता है। फॉर्मेल्डिहाइड से ट्राईऑक्सेन बनना, फॉर्मेल्डिहाइड से ट्राईऑक्सेन, एसिटाल्डिहाइड से पायरल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड से पायरल्डिहाइड, सभी बहुलीकरण का उदाहरण है आपका। इथिलीन से पॉलीथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बहुलीकरण है। लकड़ी के भंजन आसन से प्राप्त होता है क्या? पायरोलिग्नियस एसिड प्राप्त होता है। पायरोलिग्नियस एसिड प्राप्त होता है लकड़ी के आसन विधि द्वारा। तो क्या होगा? पायरोलिग्नियस एसिड होगा। लकड़ी के भंजन आसन से प्राप्त होता है कौन? पायरोलिग्नियस एसिड प्राप्त होता है, ओके, पायरोलिग्नियस एसिड प्राप्त होगा। और एसिड का राजा किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं दोस्तों। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? समावेयी कहलाते हैं। समावेयी जिनके कार्बनिक यौगिक के अणुसूत्र समान होते हैं, ओके, अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचनात्मक सूत्र क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। संरचनात्मक सूत्र क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, समावेयी कहलाते हैं। समावेवी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करता है। समावेवी यौगिक जो है भिन्नता प्रदर्शित करता है किसका? संरचनात्मक सूत्र का, ओके, संरचनात्मक सूत्र का प्रदर्शित करता है। भिन्नता प्रदर्शित करेगा संरचनात्मक सूत्र का, यानी भिन्न भिन्न होगा संरचनात्मक सूत्र, जिसे समावेवी कहते हैं, यानी आइसोमर कहते हैं। समावेयी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करता है किसका? भौतिक गुणों का। समावेयी प्रदर्शित करते किसका? भौतिक गुणों, जैसे नॉर्मल ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन बनना। कौन सा समावेयता प्रदर्शित करता है? तो कौन सा समावेयता प्रदर्शित करेगा? तो ब्यूटेन प्रदर्शित करता है। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या है? आपका चेन आइसोमर है। क्या है? चेन आइसोमर। नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन आइसोब्यूटेन, ये क्या है? चेन आइसोमर है। पेट्रोल जिसे मोटरगाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका मिश्रण होता है? तो हाइड्रोकार्बन का एंड अल्कोहल का, ओके। पेट्रोल जिसे मोटरगाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका मिश्रण होता है? केवल हाइड्रोकार्बन का और अल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण हो जाएगा तो गैसो हॉल होगा दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन ये पेट्रोल का खाली पूछा है तो हाइड्रोकार्बन होगा। पेट्रोल जिसे मोटरगाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका मिश्रण होता है? केवल हाइड्रोकार्बन का। अब पेट्रोल को अपस्फोटी बनाने के लिए अल्कोहल के साथ क्या मिलाते हैं? पेट्रोल मिला देते हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? प्रभावी आसवन विधि द्वारा, ओके, प्रभावी प्रभाजी आसवन विधि द्वारा प्रभाजी
आसवन विधि द्वारा प्रभाजी, आसवन विधि द्वारा प्रभाजी, आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाला वाष्प होती है क्या? पेट्रोलियम को गर्म पानी किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा निकलने वाला वाला वाष्प होती है क्या? तो पेट्रोलियम ईथर होता है। पेट्रोल को गर्म करेंगे तो पेट्रोलियम ईथर निकलेगा। पेट्रोल को गर्म करेंगे तो जो वाष्प निकलता है वो पेट्रोलियम ईथर होता है। पेट्रोलियम ईथर, पेट्रोलियम ईथर होता है। पेट्रोल को गर्म किया जाता है तो क्या निकलेगा? पेट्रोलियम ईथर निकलता है।